फाइनली 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 100% रियल आयरन मैन का चीट कोड लेके आ चुका हूँ। और आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ आयरन मैन को कैसे लेना है और उसका चीट कोड क्या है, क्योंकि अपना आयरन मैन ऐड हो चुका है इस न्यू अपडेट में। और उसको कैसे लेना है आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, उसको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप आयरन मैन को कैसे ले सकते हो और आयरन मैन का सूट वगैरह वगैरह। तो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह वगैरह सुनाई देती है, वो तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आपको तो पता ही है ना तो मेरे पास माइक है ना अच्छा सेटअप है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात कर ले इनविजिबल कार को कैसे लेना है। तो कोई सी भी रोड पर चलती हुई कार को आपको रोक देना है और फिर उस पर RGB कलर को ट्राई करना है। तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, तो जैसे RGB कलर ट्राई करोगे तो अनविजिबल कार बन जाएगी अपनी, जो कि देखने में काफ़ी ऑसम लगती है। अभी बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और भी कुछ न्यू अपडेट में चीज़ें ऐड हुई है उन्हीं के बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले आप अनविजिबल कार देख लो कैसी दिखती है अपनी। अभी बात कर लेते हैं अपने कोबरा बाइक के बारे में। तो कोबरा बाइक का चीट कोड रहने वाला है 4444 टाइम, जैसे आप डायल करोगे तो कोबरा बाइक देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी ऑसम लगती है। अभी बात करें 9000, जैसे आप डायल करोगे तो आपकी स्प्लेंडर बाइक देखने को मिल जाएगी। तो एक बार लगाने पर आपको नहीं आए तो 2-3 बार ट्राई करना है, क्योंकि ये अभी तक ग्लिच है, क्योंकि वो ऐसे ही रेंडमली मिलती है हमको। तो हमने 2 बार ट्राई किया अभी तक नहीं मिली है, अभी देखो एक बार वो रेंडमली ट्राई करते हैं। तो फाइनली देख ही सकते हो अपनी ब्लैक स्प्लेंडर बाइक आ चुके, जो कि देखने में काफ़ी ऑसम लगती है और इसे ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको मैं सबसे पहले आयरन मैन दिखा देता हूँ, आयरन मैन होता कैसा है और उसे आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इजी तरीके से लिया था और आप भी इसी तरीके से ले सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है तो वो आपको करना पड़ेगा, फिर आपको आयरन मैन देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं जैसे आपने कोई सी भी कार को मंगवा के उसे RGB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली से RGB वाले कलर में जाना है और RGB ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे RGB कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको आयरन मैन दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ, फिर मैं बताता हूँ आपको आयरन मैन कैसे लेना है। तो अभी स्टार्ट आपके स्क्रीन पर, आपकी थोड़ी देर में आपको आयरन मैन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली 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 देख ही सकते हो आयरन मैन आ चुका है अपना, जो कि कितना ऑसम दिख रहा है हवा में उड़ता रहा। और इसको आपको कैसे लेना है वो सारी वीडियो में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, इसका चीट कोड क्या है कैसे नहीं है। तो पहले आप देख ही लो लाइव प्रूफ के साथ कैसा उड़ता है अपना आयरन मैन, जो कि देखने में और खेलने में काफ़ी मज़ा आया मुझे इसे, क्योंकि मैंने इजी तरीके से इसको ले लिया था। और आप भी कैसे ले सकते हो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो फाइनली आपने आयरन मैन देख ही लिया होगा, भी बता देता हूँ मैं आयरन मैन को कैसे लेना है। उससे पहले बात कर लेते हैं अपन पुलिस को कैसे मंगवा सकते हैं, जैसे पुलिस से कैसे फाइट ले सकते हैं, क्योंकि आपने आयरन मैन तो देख ही लिया होगा, उसका चीट कोड तो देने वाला हूँ, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई है। जैसे मैं 1-2 बंदों को मारता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पुलिस कैसे आएगी। तो आप किसी भी बंदों को मारोगे तो आपके स्टार इंक्रीज होंगे और आप पर कैश लग जाएगा, फिर पुलिस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिनसे आप फाइट लेके मज़ा भी ले सकते हो। फाइनली हमने 1 बंदे को मार दिया है और पुलिस की कहाँ हमें हलचल सुनाई दे रही है, तो मेरे को लगता है पुलिस आ चुकी है अपनी। तो उससे पहले बता दूँ आपको, जैसे आयरन मैन को लेने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको 1000 कमेंट करने होंगे। जैसे 1000 कमेंट होते हैं मैं तुरंत भेज दूंगा रोहित गेमिंग स्टूडियो के पास, वो अपना आयरन मैन ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अपन को आयरन मैन कैसे लेना है, क्योंकि अभी तक अपने किसी भी अपडेट में आयरन मैन ऐड नहीं हुआ है। तो बस आज की वीडियो में यही बताने वाला था, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन